वेलकम गाइस, आज हम देखते हैं क्रिस्पी स्नैक रेसिपी जो कि कोथम्बीर वड़ी। तो इसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसमें ऐड किया मैंने बेसन, थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नींबू का रस लगभग एक चम्मच, थोड़ी सी चीनी, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा हींग पाउडर। तो अब इन सारी मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपको, अदरवाइज ये मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा और इसकी प्रॉपर बड़ी नहीं बना पाएंगे आप। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी रखना है इसका, और इस शेप में मैंने बड़ी बना के लिए है। तो इसको हम अब कर लेंगे स्टीम। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है एक छाछनी का, और कढ़ाई में पानी गरम करके इस तरह से मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट विल बी वेल एंड गुड। अदरवाइज आप इस तरह से भी स्टीम कर सकते हो। तो लगभग 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे स्टीम कर लिया है कोथम्बी वड़ी को। इसको हम पीसेस में कट करके लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप पहले फ्राई करके फिर बाद में भी कट कर सकते हो, लेकिन अगर आप पीसेस में पहले कट करके लेंगे तो वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो इसको आप डीप फ्राई कर सकते हो या शैलो फ्राई कर सकते हो, जो भी आपको चाहे। लगभग 2-3 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे इनको फ्राई करके लिया है। मीडियम फ्लेम रखना है फ्राई करते टाइम, अदरवाइज वो ज़्यादा लाल हो जाएंगे। तो अब हमारा कोथम्बी वड़ी स्नैक रेडी है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले उनका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, और कोथम्बीर का खुद का एक अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।